सत श्री अकाल, मैं अमरजीत, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सभावां पंजाब। अज आप जी दे नाल सहकारिता विभाग अते सहकारी सभावां द्वारा कोविड कारण पैदा हुए हालातों दे विच जो भी अनमुला योगदान इन्होंने पाया है, लोगों को सहूलत दित्तियां हन, उसकी सूचना आप नाल सांझी करांगे। सब तो पहला कोविड बारे विश्व पद्धर ते भारत अते पंजाब दे विच जो अंकड़े हैं, जो सूचना अज तक की है, उसका 88वां दिन है, तो उस यह सूचना थोड़े तो साझी कर रहे हैं। विश्व के कोविड 19 नाल पीड़ित लोगों की गिनती इस समय 84,66,999 है। इन्हां विच्चों 44,39,056 लोग ठीक हो गए हैं, तो इन्हां दे विच मृतक लोग जिहड़े इस बीमारी के कारण जिन्हां की मौत हो गई है 4,51,949। भारत दे विच ये अंकड़े इस तरह हैं। इस बीमारी के नाल पीड़ित लोग 18 तरीक की जिहड़ी अपडेट्स है उस 3,68,648 हैं। ठीक हुए मरीज 1,94,843 हैं। इस बीमारी के कारण जो मौत भारत के हुई हैं वह 12,275 हैं। इसी तरह पंजाब 18 तरीक की अपडेट्स है, कुल पॉजिटिव केस जिहड़े पंजाब दे विच अज दी तरीक दे विच 3,615 हैं, जो कि कल के मुकाबले 118 वधे हैं। ठीक हुए मरीजों की गिनती 2,570 है। कुल मौतें इस बीमारी के कारण 83 हुई हैं। इस वेले पंजाब दे विच 962 एक्टिव केसेस हैं। हुण मैं आप दे नाल सहकारिता विभाग के सहकारी सभावां द्वारा कोविड 19 कारण जो पैदा हुए हालात हैं उहदे विच जो भी सहूलतां लोकां नूं दित्तियां गईयां हैं, जो सेवावां मुहैया करवाईयां गईयां हैं, उस दे बारे आप नूं जानकारी देना। सब तो पहलां पंजाब दे विच जिहड़ियां प्राइमरी खेतीबाड़ी सहकारी सभावां हैं उन्हां वल्लों इस हालात दे विच, इन्हां हालातां दे विच लोकां नूं घर घर जरूरी वस्तां दी जिहड़ी डिलीवरी कीती गई है। पंजाब दीआं खेतीबाड़ी सहकारी सभावां जिन्हां दी गिणती 3,000 तों उपर है, उन्हां वल्लों अपने मैंबरां नूं अते आम लोकां नूं जदों तां लॉकडाउन लगा है, जदों दी इह कर्फ्यू लगा है, उदों तो लैके हुण तक 14 करोड़ रुपए दीआं जरूरी वस्तां सप्लाई कीतीआं हन। इस तो अलावा सहकारी सभावां वल्लों अपने मैंबरां नूं अते आम लोकां नूं कोई 17 लाख दी वैल्यू दे मास्क वंडे गए हन। इसी तरह सहकारी सभावां दे मैंबरां नूं 84.27 लाख रुपए कैश दी अदायगी माइक्रो ATM दे राहीं कीती गई है। इसी तरह सहकारी सभावां वल्लों अपने मैंबरां नूं खेतीबाड़ी दीआं जरूरतां नूं ध्यान विच रखदे होए मार्कफेट अते इफको तो प्राप्त खाद यूरिया DAP सप्लाई की गई है। प्राइमरी खेतीबाड़ी सहकारी सभावां तो इलावा शिखर सहकारी संस्थावां जिवें कि मार्कफेट वालों भी इस काम इस वास्ते काफ़ी जिहड़ा है वह पॉजिटिव योगदान पाया गया है। मार्कफेट वालों जरूरी वस्तां की सप्लाई जो की गई है, दालों की सप्लाई 360 मैट्रिक टन जिहड़ी कि 2.42 करोड़ रुपये बनती है। आटा 480 मैट्रिक टन जिसकी वैल्यू 1.24 करोड़ है। चीनी 311 मैट्रिक टन जिसकी वैल्यू 1.18 करोड़ है। इसी तरह बनस्पति घ्यो और रिफाइंड ऑयल 3,510 किलो लीटर जिसकी वैल्यू 31.60 करोड़ है। ये आम लोगों को जोड़ा है घर घर जाके सप्लाई किया गया है। मार्कफेड वालों 2020-21 तकरीबन 30 लाख टन कणक की खरीद जी की गई है। इसी तरह मार्कफेड वालों सहकारी सभावां के किसानों लॉकडाउन दौरान 13,533 टन कैटल फीड जिसकी कीमत बनती है 31.54 करोड़ सप्लाई की गई है। मार्कफेड वालों तकरीबन 2,93,515 टन यूरिया अते 22,383 टन DAP जिसकी कीमत 212.86 करोड़ बनती है किसानों सप्लाई की गई है। इसी तरह मार्कफेड वालों 44 करोड़ की वैल्यू दीआं दवाइया कीड़े मार दवाइया किसानों नूं सप्लाई कीतियां गईआं हन। इसी तरह मिल्कफेड जो कि मिल्क प्रोडक्ट नूं प्रोसैस करन वाली संस्था है, इस वालों लॉकडाउन दौरान आम लोगों की सहूलत वास्ते वक् वक् तरह दी सेवावां दित्तियां गईआं हन। लॉकडाउन की संभावना नूं देखदे हुए सब तो पहलां मिल्कफेड वालों किसानों का जिहड़े दुध उत्पादक करते हैं उन्हों का दुध जिहड़ा है इकट्ठा किया गया, उसनों मिल्क प्लांट तक पहुँचाया गया।
इस तो अलावा जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, चाहे दूध है, दही है, पनीर है, इस वास्ते मोबाइल वैन लगाई गई जिन्हों द्वारा मैंबर लोगों जोड़ा है वो घर घर जाके मिल्क प्रोडक्ट जोड़े सप्लाई किए गए हैं। इसी तरह मिल्कफेड द्वारा जिला के डिप्टी कमिश्नर के पुलिस अधिकारियों के नाल तालमेल करके दुध पदार्थों की घर घर सप्लाई यकीनी बनाई गई। इस काम के लिए मिल्कफेड के मौजूदा मंडीकरण ढांचे को मजबूत किया गया अते ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां जिवें कि जोमैटो और स्विगी नाल समझौता किया गया। दुध की पैदावार लिए कैटल फीड की सप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मिल्कफेड वालों मार्कफेड वांग ही कैटल फीड प्लांट दे विच्चों जो भी सप्लाई यकीनी बनाई गई अते मैंबर तक पहुँचाई गई। इसी तरह तीसरा साडा मेन अदारा है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दियां 820 ब्रांचां जिहड़ियां हन जिहदे विच जिला पद्धर ते सीसीबीज़ हन उन्हां 820 ब्रांचां नूं 23 मार्च तों लै के हुण तक जिहड़ा है खुला रखिया गया। इन्हां ब्रांचां दे राहीं आम लोकां दियां बैंकिंग दियां जो भी सेवावां हन बैंकिंग दियां उह लोकां नूं प्रोवाइड कीतियां गईआं हन। ना सिर्फ ATM जिहड़े इहदे विच चलाए गए बल्कि एक इह वी तजर्बा कीता गया कि कोऑपरेटिव बैंक दियां जिहड़ियां एक तजर्बा यह है कि इन्हां ने माइक्रो ATM जिहड़े हन 115 माइक्रो ATM दे राहीं लोकां नूं कैश की सहूलत जिहड़ी देण की कोशिश की है। इस तरह पंजाब राज सहकारी खेतीबाड़ी विकास बैंक है इस द्वारा भी जिहड़ा इस लॉकडाउन की स्थिति दे विच लोगों नूं सहूलतां दित्तियां गईआं हन। इस दे वास्ते जिवें कि रिकवरी की जिहड़ी मिति है नॉर्मली 30/6/2020 तक हुंदी है इसनों एक महीने लिए वधा दित्ता गया है तां जो लोग जिहड़े हन उह रिकवरी देण दे विच जिहड़े उहनां नूं आसानी हो सके। इसी तरह जिहड़ा पैनल जुर्माना है दंडित व्याज जिसनों कहा जाता है उस दे बारे भी जिहड़ा है उसनों माफ़ करने बारे फैसला लिया गया है। तो इस दे नाल ही एक महत्वपूर्ण काम जो किया गया क्योंकि पंजाब दे खेतीबाड़ी सेवावां ते जिहड़े सिखर सेवावां हन उन्हां दे इंपलॉई एज फ्रंट लाइन वॉरियर दे तौर पर लोगों नूं सहूलतां प्रोवाइड करते रहे हैं। उन्हां दे वास्ते सहकारिता विभाग के उपराले दे नाल जिन्ने भी साडे सिखर संस्थावां हन ते जिन्नियां साडियां प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हन उन्हां दे इंपलॉईज़ दे वास्ते COVID-19 कारण जेकर कोई किसी की कैजुअलिटी होंदी है मौत होंदी है तो 25 लाख का बीमा कवर जिहड़ा दित्ता गया है। धन्यवाद जी।